बाहर ही नहीं निकले? डर गए हो क्या? आप यहाँ भी आ गई? हाँ? दरवाजा बंद मत कर, इसे मैंने बुलाया। इस अपार्टमेंट में 50% मेरा भी शेयर है। बेबी, तुम अंदर आओ। थैंक यू मार्च। कॉफी पियोगी तुम? नहीं नहीं, ग्रीन टी। ठीक है। 50% याद है ना? लगता है मुझे ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तू अकेला कहीं भी रह नहीं पाएगा राजा। ये लो बेबी, वेलकम। ये सारे कप्स तुमने जीते हैं? और तो क्या, मैं लाया हूँ। इस कप से लेकर वो कप तक ऑफिस से छूट कर आने के बाद घिस घिस कर मैंने ही चमकाया है। कभी कभी उसी कप से मैं चाय भी पी लेता हूँ। इसीलिए पहले। हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ माँ, ठीक है माँ। शर्मा क्यों रहा है? माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है। हाँ, वो लड़की इस वक्त हमारे शहर में, वो मुझसे मिलना चाहती है। माँ ने कहा है कि अगर मुझे पसंद आ गई तो शादी फिक्स। उस लड़की का नंबर माँ मुझे मैसेज कर रही है। ए, मैसेज आएगा तो आवाज आएगी ना? आई नो। बेबी। हाँ मार्च। जरा पर्सनल बात करनी है, बालकनी में आओ। क्या हुआ? आई। हाँ? उसने इतनी शॉकिंग न्यूज़ दी है और तुम टेंशन लेने की वजह इतनी कूल लग रही हो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे टेंशन ना लेने की एक खास वजह मतलब? है। वो 5 मिनट किसी से बात करे तो 2 मिनट में सामने वाला भाग जाए। पॉइंट है। मैसेज आ गया, चलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू अमृता प्लीज? हाय, मेरी माँ ने आपसे बात करने के लिए कहा। आई वुड लाइक टू मीट यू। नो प्रॉब्लम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। या आई विल मैसेज यू माई एड्रेस। श्योर, बाय। वहाँ पे नार में यहाँ पे आ रही है बेचारी, लगता है उसकी किस्मत ही फूट गई। प्लीज बॉस। यस बॉस। मेरे फ्लैट में मेरा फ्यूचर आ रहा है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरा फ्रेंड है ना, तो अपने फ्रेंड को लेकर बाहर निकल। ओके Boss, this is too much. जल्दी निकलो, बात ही नहीं सुनती हो। Check this out. Hello, तेरी मीटिंग एक लड़की से। तू तो ऐसे तैयार है जैसे किसी इंटरव्यू में जा रहा है। बाहर निकल। मैं भी? Yeah, I want my privacy. She is my fiancé. पहले उसे भी तो ये बात डिसाइड कर लेने दे। Get out. Hey, Mans. तुमने भी बाहर निकाल दिया क्या? Possible ही नहीं है। इस अपार्टमेंट में मेरा भी 50% का शेयर है। Hey. उसने अपनी प्राइवेसी के लिए मुझे बाहर निकाल दिया यार, मैं भी हेल्पलेस था। बहाने मत बनाओ। वैसे तुम यहाँ क्यों रुकी हो? उसे देखने के लिए। अपनी स्वतंत्र को। फनी यार। अरे पीछे की पीछे ही खड़ी है। बाप रे। क्या? ये पटाखा तो अंग्रेज लड़की से भी 2 कदम आगे लग रही है। आसपास मुझे धुआं दिख रहा है। हाँ मैडम जी, 3rd फ्लोर में जाके राइट मुड़ जाइएगा। इसे तो फिल्म की हीरोइन होना चाहिए। मुझे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे दोस्त ने इसे शादी की तो कन्फर्म उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगी। गोली मेरे दोस्त को मारना ताकि लड़की से मेरी शादी हो। क्या यार, चलो आओ ना यार। कहाँ ले जा रही हो? आज ही मर्डर कराने का इरादा है क्या? जल्दी करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय। हाय, आई एम अरविंद शिवशंकर, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, MScS। आई नो, I'm Vandana. Advance ho? भाग मिलकर भाग लेकर आई हो क्या? जब मैं सेंट मेरी स्कूल में था तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट टाइम मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था। ये देखिए। हम यहाँ से खिड़की तक पहुँच सकते हैं। बहुत ऊपर है ये। नाटक मत करो। रुक जाओ। तुम्हारी बॉडी तो ठीक है, मेरी बॉडी से अगर ये टूट गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मांस, चलो। मैं नहीं आऊंगा। ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के डिबेट कॉम्पिटिशन का फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्राइज। ये देखिए। जल्दी आओ मांस, बस एक ही फ्लोर बचा है। मैं आ रहा हूँ यार, मैं तुम्हारी तरह हल्का थोड़ी हूँ। डरो मत, आओ। मैं डर नहीं, घबरा रहा हूँ। कम कम कम, संभाल के। हाँ, यही खिड़की है क्या? अरे ये टॉयलेट और बाथरूम है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? ओके ओके। लगता है तुम शॉक हो गई हो, कुछ गड़बड़ वाली बात है क्या? लेट मी रिकन्फर्म वॉट इज हैपनिंग। जब मैं बाइक के पास गया तो इंजन गायब हो चुका था और मेरा दोस्त मुझे मदद करने की बजाय मुझे सलाह दे रहा था। यहाँ भी मेरी तारीफ कर रहा है।
बोर हो रही हो क्या? आजकल की लड़कियों को शराफत नहीं बल्कि दौलत चाहिए। शरीफ लड़के अच्छे लगते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ मेडल पाने वालों से कोई भी शादी करना नहीं चाहता। फ्री प्रवचन है, सुन ले। कोई और क्यों, मुझे ही देख लो, हर रोज मिनिमम 10 से मिलती हूँ। और मैक्सिमम हिसाब नहीं। सुपर बेबी, कंटिन्यू। मैं जब रोज घर से निकलती हूँ तो कितने लोग मुझे देखकर कमेंट करते हैं, उसमें से एक को देखकर हंस देती हूँ, और जब मैं कहीं फंस जाती हूँ तो वही आकर मुझे बचाता है। ऐसा करना गलत बात है, पर मुझे क्या। करेक्ट, तभी तुम आज की नारी हो। तुम्हें पता है अगर किसी लड़की को इस संसार में इज्जत से जीना है तो उसे गैरों से भी थोड़ा बहुत अपनापन बनाए रखना पड़ता है, भले ही वो दिखावा क्यों ना हो। मेरे भाई, तुझे इसकी बात जरा भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत लगा। तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, सीधे बोलो ना क्या बोलना है। पता है मैं इसे पिछले साल से फॉलो कर रही हूँ। अरे यार, ये झूठ बोल रही है, हम पहली बार सिग्नल के पास आ रहे। यार उस दिन वो पहली बार मिली जरूर थी, लेकिन ये पहले से तुझे जानती है, इसलिए तुझे फॉलो करती थी। यहाँ से यहाँ तक वो तेरे बारे में सब कुछ जानती। अब समझ में आया। उस दिन भी तुम मुझे पहचान नहीं पाते अगर किसी ने पीछे से आकर टक्कर न मारी होती। ये सब तुम्हारी चालबाजी है, अब मैं अच्छे से समझ गया। अरे तुम गोल गोल क्यों घुमा रहे, सीधे बोलो ना। 2 मिनट भी मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। वाह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इन सिंपल शब्दों का इसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दुनिया की हर लड़की अपने प्यार का इजहार इसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करती है। सुपर, बोलो, चलो जवाब दो, बोलो बोलो बोलो, जवाब दो। क्या भैया, गेट आउट। कितने स्पीड से अपना कैरेक्टर चेंज करके मेरी बहन बन गई तुम। कहाँ ना जाओ यहाँ से। टिपिकल गर्ल्स। तू कहीं मत जाया, कबाब में हड्डी बनने के लिए ये रामाचारी तैयार नहीं है। टिश्यू पेपर बनाकर रख दिया है मुझे, पहले इस्तेमाल किया फिर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। गलत बात है, मैं नहीं आऊंगा। तो मैं ही आ जाती हूँ। तेरी तो। होलसेल मार्केट में जाकर सुबह सुबह 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का हफ्ता वसूली करने वाले ट्रैफिक पुलिस रामराज को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीछा करके पकड़ लिया। हफ्ता वसूली करते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। रामराज को अरेस्ट करते हुए देखकर वहां के सभी मजदूर और व्यापारी खुशी से झूम उठे। उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। नुक्कड़ पर पान की टपरी चलाने वालों से ये 50 रुपए लेते थे और इल्लीगल पार्किंग वालों से ये 20 रुपए लेते थे। ये बात जैसे ही उनके बड़े अधिकारियों को पता चली वो दंग रह गए। ऐसा करके नाम खराब कर दिया। होलसेल मार्केट में जाकर सुबह सुबह 10 रुपए से ये तो दिखाने वाले दांत हैं। ये फेरी वाले से 5 रुपए और भिखारियों से 2 रुपया वसूल करता है, तो आप सोच लो कि रोजाना कितना खर्च करता होगा। मेरे हिसाब से तो सारे पैसे अपनी जेब के फिक्स डिपॉजिट में डालता होगा। हेलो, मुझ पर कीचड़ उछालना बंद करो और अब जरा खुद के बारे में सुनो। विजय सिंह को भी रिश्वत के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। मुझे सब पता है, अरविंद शिवशंकर, उसी ने हाई कमिश्नर को पिटीशन भेजा है। सिर्फ मेरे बारे में ही नहीं, यहाँ बैठे सभी लोगों के बारे में उसने पिटीशन भेजा है। ह्यूमन राइट कमीशन को भी उसने पिटीशन भेजा है। ये देखो, वहाँ से हम सबके खिलाफ नोटिस इश्यू हो चुका है। बताइए अब क्या करना है। ये क्या कह रहे हो, कुछ तो बोलिए साहब, आपको क्या साफ सुन गया है। कोर्ट में सबके सामने उसने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, उसको सबक सिखाना होगा। क्या करना चाहिए। तुम लोगों पर उसने इंक्वायरी बिठाई है ना, तो तुम उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते। एक केस के बारे में इंक्वायरी करनी है, चलो। किस केस में सर। पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं। ए अरविंद, ए तू चौकी में आ जा। अरे रुक, सर सर, अरविंद को यहाँ लाया गया क्या। यहाँ तो नहीं लाया उसे, 001 आपकी गाड़ी है ना। हाँ है तो, उसी में उसे लाए सर। ओहो, कहीं बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया वो। बोलो। तुमने खुद देखा है। हाँ देखा है सर, वो सिविल में नहीं थे, यूनिफॉर्म में थे सब के सब। तुम पुलिस स्टेशन गए थे। गया था सर, वहाँ के हेड कांस्टेबल ने कहा वो लोग उसे वहाँ लेकर नहीं आए। अरे हम मिसिंग की कंप्लेन फाइल करेंगे, एक आदमी लापता है, कम से कम आप कंप्लेन तो दर्ज करेंगे। सारे ऑफिसर एक जैसे नहीं होते सर।
माधुर, वो मिसिंग केस था ना अरविंद स्वामी का, जिसे किसी ने मारकर फेंक दिया था और अभी हॉस्पिटल में है। पता करो कि होश में आया कि नहीं, इंक्वायरी करनी है। फोन लगाओ ना राव जी। इन्हें किसने मारकर फेंका ये हमें इंक्वायरी करनी है। तुम जरा बाहर जाओ। सुना नहीं आपने? जाइए बाहर। सर ये हैं यहाँ के डॉक्टर। राव जी सबको बाहर निकालो और दरवाजा बंद कर दो। बाहर निकलिए, चलिए। चलिए। मैडम आप भी बाहर चलिए। राव जी इनका बयान लिखो। हेलो हेलो, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने की बोलो? आप ही ने सर। राव जी ये नहीं लिखना है, काटो इसे। लगता है अभी तक हाथ से सुधरा नहीं, कंफ्यूज्ड है बेचारा। डॉक्टर कब डिस्चार्ज करेंगे इसे? आई थिंक 10-15 डेज ही विल बी ऑलराइट। गेट वेल सून ब्रदर, अगली बार सोच समझ के जवाब देना। बाय। अनिल सर ज्यादा बोलेगा ना तो अंदर कर दूंगा। इसकी जान को यहां खतरा है, इसे कहीं दूर लेकर जाओ भाई वरना ये मारा जाएगा।